नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी का भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डल पा रहा है? क्या आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं लेकिन आपका स्टोरी जो है वो नहीं लग पाता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं भी यहाँ पर एक स्टोरी लगा रहा हूँ लेकिन ये जो स्टोरी है वो नहीं लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत समय से यहाँ पर पोस्टिंग ही दिख रहा है। यहाँ पर एक मिनट हो चुका है और बहुत देर से यहाँ पर पोस्टिंग ही लिख रहा है लेकिन यहाँ पर जो है ये पोस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे जो स्टोरी है वो नहीं लग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को, अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल डाटा भी है ऑन है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन भी ऑन है। तो इस तरह से आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका इंस्टाग्राम का अपडेट नहीं होगा, अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आकर के और सर्च करके आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप अपडेट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है और जितना भी आपका फोर्स स्टॉप होगा, जितना भी आपका फोर्स स्टॉप है वो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है क्लियर डाटा पे और यहाँ से आप ध्यान से क्लियर कैच कर लीजिएगा। क्लियर डाटा पे क्लिक मत करिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर कैच पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लियर कैच पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ओपन करके देख सकते हैं कि आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे स्टोरी जो है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर फिर भी नहीं लग रहा है तो मैं आपको एक और बता रहा हूँ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे आपको यूजेज डाटा का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर यूजेज डाटा का ऑप्शन, डाटा यूजेज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है नीचे वाईफाई नेटवर्क, और वाईफाई नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क ये दोनों जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर ऑन कर लिया हूँ, वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को ऑन कर लिया हूँ, तो आपको इसी तरह से सभी को ऑन कर लेना है। और ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ से बाहर आना है, तो यहाँ से आप अपने बाहर आ जाइए और बाहर आने के बाद आप फिर से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। तो अब हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद अब हम उसी वो स्टोरी को हम फिर से लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी भी पोस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 4 मिनट के बाद जो हमारा जो पोस्ट जो हमारा स्टोरी है वो लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अब हमारा जो स्टोरी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल 100% लग चुका है। अब हम अपना दूसरा भी स्टोरी कोई लगाना चाहे तो और भी हम स्टोरी यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ से डिलीट किया और डिलीट करने के बाद मैं फिर से एक कोई और स्टोरी मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक और स्टोरी जो है वो लगा रहा हूँ, शेयर पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, तो ये देखिए आपको बहुत ही थोड़ा समय में ही देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी है वो लगना शुरू हो चुका है। ये देखिए आपके सामने बस 1-2 सेकंड में यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने इंस्टाग्राम के इस प्रॉब्लम को, स्टोरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लग रहा है तो इसी तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा करके घंटी कॉल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।